हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए, होना भी चाहिए। टॉप 20 जीएसटी एमसीक्यू। जीएसटी पे काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं वो कोशिश कर रहा हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। वो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है और कहीं ना कहीं ये आज का हॉट टॉपिक है पिछले आने वाले 6 महीनों में। तो कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल में और जो पूछे जाएंगे, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वो मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। ठीक है, इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। नीचे लाल वाला बटन, उसको कूद जाइए, फान जाइए, लिखो बटन दब जाना चाहिए। और उसके बगल में रिंग बेल होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा। मेल करना चाहते हैं तो गाही GAHI16JUN@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो GAHI EDU के नाम से मैं वहाँ मिल जाऊँगा, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो हिट बटन दबाने में कोई पैसा नहीं है, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। चलिए शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं क्या है हमारे पास ये। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया जीएसटी कम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ठीक है, इंडिया हैज़ चूसन मॉडल ड्यूअल मॉडल। जो इंडिया का जो मॉडल है वो ड्यूअल मॉडल है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, ड्यूअल मॉडल कहाँ से लिया है? ठीक है, ये हमने लिया है कनाडा से, मतलब कैनेडियन मॉडल है, कैनेडियन ड्यूअल मॉडल। तो ये हमने जो मॉडल जो लिया है वो हमने उठाया है कनाडा से। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन देखा गया था जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको जाना ज़रूरी है। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जी हाँ, 1 जुलाई। जीएसटी डे 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। जीएसटी डे कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो वो है 1 जुलाई। हमारा जो जीएसटी है वो ड्यूअल मॉडल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हमने उठाया है, उसको लिया है, अडॉप्ट किया है, जो भी कहना चाहें, कनाडा से। ठीक है, चलें आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव ड्यूअल जीएसटी मॉडल। कितनी कंट्री में ड्यूअल जीएसटी मॉडल लगा हुआ है? तो पहली कंट्री जो है वो है कनाडा, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरी थी इंडिया, और तीसरा अभी हाल फिलहाल में ब्राज़ील है। तो तीन कंट्रियों में ड्यूअल मॉडल लगा हुआ है। अगर यार वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हैं तो प्लीज़ डू अपडेट योरसेल्फ। फिलहाल जब मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, जब ये बात कह रहा हूँ, तो तीन कंट्रियों में ड्यूअल मॉडल लगा हुआ है। आगे ये चेंजेस होंगे, ठीक है। 1 जुलाई तक जब इंडिया ने लागू किया था तो सिर्फ दो कंट्रीज में ड्यूअल मॉडल था, लेकिन अभी तीन है, ठीक है, ब्राज़ील है। तो ऑप्शन हमारा होगा नन ऑफ दिस, फिलहाल तीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके हियर इज माई पेन, हियर इज माई पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा देश था? तो वो था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस वॉज द फर्स्ट नेशन हु इम्प्लीमेंट जीएसटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं जल्दी से। अराउंड हाउ मेनी कंट्रीज अडॉप्ट जीएसटी। कितनी कंट्री ने जीएसटी अडॉप्ट कर लिया है? एट प्रेजेंट 160 है, ठीक है, ये आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ठीक है, तो प्रेजेंटली मैं जो वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ तो 160 कंट्री ने अडॉप्ट किया है जीएसटी एट दिस मोमेंट। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ मैक्सिमम जीएसटी टैक्स लेवल। मैक्सिमम टैक्स की बात की जाए तो हमेशा हम ही नंबर एक होते हैं। कितना है हमारा मैक्सिमम? 28%, ये कहीं नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जो है हमारा इंडिया है। अगर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कहीं पे कि इंडिया के अलावा कौन सा देश है जिसके पास मैक्सिमम टैक्स स्लैब है, जीएसटी का टैक्स स्लैब मैक्सिमम किसके पास है? तो वो है
अर्जेंटीना कितना है उनका, 27%, ठीक है, लेकिन हमसे मुकाबला नहीं कर पाए, लूटने में हम सबसे आगे हैं, 28%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इंडिया जीएसटी मॉडल हैज डैश रेट स्ट्रक्चर, कितने रेट स्ट्रक्चर हमारे पास हैं, पहला क्या है 5% का, दूसरा क्या है 12% का, तीसरा 18%, आखिरी 28%, चार भागों में हमने बांटा है तो यहाँ आंसर होगा 4, ठीक है, चार रेट लगाए जाते हैं, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। चलो अच्छा कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, चलो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिस्कस कर लेते हैं इसको, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ चार ऑप्शन थे, ऑप्शन थे वेजिटेबल था, सूज था, सूज वेजिटेबल और आई थिंक मूवी टिकट था, और चौथा ऑप्शन जो था वो मोबाइल था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वहाँ पे कि इन चारों में से किसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है, एक्सेप्शन दिया गया है, जीएसटी से छूट दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से किस चीज़ को बाहर रखा गया है, तो वो है वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स को कोई जीएसटी उस पर लागू नहीं होती है, ठीक है, शूज़ पे है, मूवी टिकट पे है, अच्छा मूवी टिकट में भी 100 रुपये, और अच्छा मूवी टिकट में क्या है, अगर टिकट्स आप 100 रुपीज़ से कम है तो आपका होगा 12%, नहीं सॉरी 18%, और अगर 100 रुपये से ऊपर मूवी टिकट है तो आपका 28% जीएसटी लगेगा, ये मूवी टिकट का बवाला है, ठीक है। मोबाइल पे कितना लगता है, मोबाइल से हम लेते हैं, मोबाइल पे कितना परसेंट जीएसटी है, 12%, याद रखिएगा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस, 1 मिनट, विल बी इन इंडिया, इंडियन जीएसटी, भारतीय जीएसटी में कितने टाइप के टैक्सेस हैं, तो एक है जो स्टेट वसूलेगी, दूसरा है सेंट्रल कह लें, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी, और तीसरा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूलेगी जो है स्टेट जीएसटी, ओके, एक है सेंट्रल जीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटर स्टेट कह सकते हैं, इंटर कहते हैं लेकिन इसका आई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, तो तीन तरह के टैक्सेस लागू हो रहे हैं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि आई जीएसटी जो होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, उसका पैसा सेंट्रल लेती है, स्टेट नहीं। चलो चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आई जीएसटी में आई स्टैंड फॉर व्हाट, तभी मैंने बताया इंटीग्रेटेड, इंटर स्टेट कहते हैं हम लोग, इंटर स्टेट, जैसे दो स्टेट हैं, गुजरात है, ठीक है, और महाराष्ट्र है, ठीक है, कोई चीज़ अगर यहाँ से यहाँ जाती है बिकने के लिए तो एक स्टेट स्टेट तो लेगी लेगी, उसके अलावा दूसरे स्टेट जाती है तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट, आई जी एस टी के तहत आता है, जिसका वसूल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जी एस टी इसका, ठीक है, और आई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, नॉट इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट या इंटर स्टेट नहीं है, आई इंटीग्रेटेड जी एस टी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद आ गई, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जी एस टी का फुल फॉर्म अभी एग्जाम में आया है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ए बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज है सर्विस टैक्स, चौथा गुड्स एंड सर्विंग ING सर्विंग टैक्स था, ठीक है, बताइए फुल फॉर्म बताना, सिंपल सा क्वेश्चन था, फुल फॉर्म बताना है इसका, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सॉरी दूसरा है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तीसरा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, चौथा है गुड्स एंड सर्विंग टैक्स, तीसरा इज द राइट ऑप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है,
ये याद रखिए क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी जस्ट फुल फॉर्म इसका पूछा गया। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हम लोग जीएसटी सब जानते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है। एस लगा हुआ है दोनों में, याद रखिए यहाँ भी एक्स लगा हुआ है, यहाँ भी एस लगा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आया था तो डिस्कस कर लिया, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके बट वी हैव द टैक्स आईजीएसटी जो लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, चार्ज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया ना उसका चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके द मैक्सिमम रेट जीएसटी कितना है, 28 है, सभी जानते हैं, 5, 12, 18। तो द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब अंडर जीएसटी इज 28%, ठीक है। चलो याद रखिए कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो मैं बता रहा हूँ अलग से, वो कहीं ना कहीं भी एग्जाम में जल्दी इधर किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं जीएसटी से, तो मेन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन इंडिया जीएसटी वॉज प्रपोज्ड इन किस साल में प्रपोज किया गया था, प्रपोज किया गया था 2000 की सरकार थी बीजेपी की, उस समय पीएम थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ से आ सकता है कि किसकी सरकार थी जब पहली बार प्रपोज किया गया, 2000 में प्रपोज किया गया था, सरकार किसकी थी, गवर्नमेंट किसकी थी सेंट्रल में, तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पीएम थे। फर्स्ट टाइम जब जीएसटी हमारे इंडिया में प्रपोज किया गया था, इसका रखा गया था कि जीएसटी हमारे देश में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अमेंडमेंट बिल के तहत आता है, तो 122 सीधे सीधे 122 अमेंडमेंट बिल के तहत जीएसटी आता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टैंड है, किस एक्ट के तहत आता है, तो एक्ट है 101, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर विच एक्ट जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस, तो एक्ट है वो 101 एक्ट के तहत जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। चलिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे बढ़ेंगे। ओके आर्टिकल तो 179 है, 27 सॉरी 279A आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल बेस्ड है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर 279A, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीन लगातार आर्टिकल अमेंडमेंट और एक्ट, ये तीनों आपके मुँह ज़बानी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है, जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जाहिर सी बात है न्यू दिल्ली में होगा, और कहाँ होगा, जहाँ मिनिस्टर बैठते हैं। ओके हु वॉज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, चेयरमैन कौन होता है, हमेशा चेयरमैन जो होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर इस समय, श्री अरुण जेटली जी हैं, ठीक है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अरुण जेटली जी है, तो वही हुए इस समय चेयरमैन, ठीक है। फाइनेंस हमेशा जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस में प्रेजेंट में कौन है, श्री अरुण जेटली जी हैं, तो वही हुए चेयरमैन। चलो आगे। ओके एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर्स पैनल चेयरमैन, जब चेयरमैन कौन थे उस समय, जब फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन कौन थे जब जीएसटी लागू हुआ, ठीक है। तो नाम है, बहुत फेमस नाम है, अमित मिश्रा इज द जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, चेयरमैन काउंसिल कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, श्री अरुण जेटली जी हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन जो पैनल बना था, ठीक है, जीएसटी फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर का जो पैनल बना था उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो थे अमित मिश्रा, ठीक है, ये बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ, तो पास ना इज डैश इज द फर्स्ट स्टेट दैट पास जीएसटी बिल इज, तो वो था तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना,
तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट दैट पास जीएसटी बिल आई थिंक 9 अप्रैल 2017 को, ठीक है। दूसरा कौन सा था? दूसरा बिहार था जिसने 24 अप्रैल 2017 को जीएसटी बिल पास किया। कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अभी फर्स्ट स्टेट हु रेटिफाई जीएसटी बिल, इसमें और इसमें डिफरेंस है। रेटिफाई होता है कि प्रमाणित करना, पहला स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी बिल को प्रमाणित किया, तो उसका आंसर होगा आसाम, ठीक है। बिल पास करने वाला तेलंगाना था, लेकिन रेटिफाई प्रमाणित करने वाला पहला स्टेट आसाम था, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। ये प्रमाणित हुआ था मुझे जहाँ तक याद है अगस्त में 2016 में, 2016 के अगस्त में फर्स्ट स्टेट हु रेटिफाई जीएसटी बिल वॉज आसाम, ठीक है। लेकिन पास का किया गया 9 अप्रैल 2017 को, पहला स्टेट था तेलंगाना, ठीक है। प्रमाणित करना और पास करना दो अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत लोगों ने तेलंगाना लगाया होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें अलग, रेटिफाई करना, प्रमाणित करना, पहला स्टेट था आसाम, जिसने पास किया वो था तेलंगाना, ठीक है। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं जल्दी से। जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज डैश लैक, जीएसटी की सीमा कितनी रखी गई नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है। लिमिट क्या है, सीमा रेखा जो कहते हैं ना, लिमिट क्या है, जीएसटी लिमिट नॉर्थ ईस्ट देशों के लिए कितनी है, मैक्सिमम कितनी रखी गई है, वो है 10 लाख, 10 लैक्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए जीएसटी का थ्रेशोल्ड है, जो सीमा रखी गई है वो 10 लाख रखी गई है। अभी क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले कि नॉर्मल इंडिया में कितना रखा गया है थ्रेशोल्ड, वो है 20 लाख, 20 लाख रखी गई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, देश का क्या मैंने भी स्टेट्स के लिए 10 लाख रखी गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड सीमा रेखा रखी गई है जीएसटी नॉर्थ ईस्ट के लिए स्टेट्स के लिए, वो 10 लाख रखा गया है, नॉर्मली वो है 20 लाख। और ओके, स्मार्टफोन के लिए कितना है तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत फैमिलियर है, 12% आ सकता है, ठीक है। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सिन टैक्स। सिन क्या होता है? सिन वो चीज़ होती है जो गैर कानूनी, एक तरह से कह लें, मतलब सिन का मतलब यहाँ पे जो लिया गया है वो अवैध है, अवैध। पान मसाला, टोबैको, अल्कोहल, तीनों अवैध चीज़ें, इन पे टैक्स, इनको सिन टैक्स में रखा गया है। और इसका ऑप्शन होगा ऑल ए बी सी, ठीक है। अवैध चीज़ें पान मसाला, टोबैको, इनको सिन टैक्स में तहत रखा गया, और सिन टैक्स सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ आ गई, ठीक है। चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अंडर जीएसटी इंश्योरेंस इज टैक्स्ड 18%, ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। कुछ चीज़ें इसलिए, ये क्वेश्चन अभी अभी बैंक में कुछ दिन पहले बैंक में देखा गया है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ ले लिया है, इंश्योरेंस टैक्स, ठीक है। आई थिंक अभी कुछ दिन पहले हुआ है किसी का पेपर इंश्योरेंस का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, अंडर जीएसटी इंश्योरेंस इज टैक्स 18%, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी जुबा पे होना चाहिए। चलिए, फिलहाल इतने 20 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको पता होना ही चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, वीडियो को जल्दी से वाइंड अप करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, और खुश रहिए, मस्त रहिए, मुझे दे दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, टेक केयर।